So we have a second panelist, Deepika Galaji. She's from Mumbai. उनके बारे में क्या कहूं मैं. When we hear the word trainer, the first thought comes to is a gym trainer or a personal trainer. But this is Deepika Galaji, who is a spiritual trainer. Let us listen to, from her personal experience of philosophy, transformation, and healing. She also conducts sessions on emotional healing. I think that is a true need of the day. So let's listen to Deepika. Thank you so much for introducing me and thank you for inviting me. मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. और इतने महान स्पीकर के बाद आज मुझे बोलना है तो मेरे लिए थोड़ी झिझक की बात है. थैंक यू. और चंद्रकांत भाई बहुत ही अच्छा संयोग था कि मुझे आपको सुनने का मौका मिला. थैंक यू. So I will start with my presentation. So today's topic is Jaina perspective on environmental ethics. यानि कि अगर पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में हम जैन फिलोसॉफी की बात करें तो वो क्या होगा. सो सबसे पहले हम देख लें कि जैनिज्म के क्या मेन सूत्र हैं जिसके ऊपर जैनिज्म की पूरी थियोरी लगी हुई है. एक तो है कि जो हमारी जैनिज्म की थियोरी है वो अहिंसा के आधार पर है. सो अहिंसा एक सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जैनिज्म के पूरे सभी जो भी व्रत हैं वो सभी उसके ऊपर ही बेस्ड हुए हैं. जब जैनिज्म में हम नॉन वायलेंस या अहिंसा की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये थियोरी किसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए कौन सी पूर्व मान्यताएं जरूरत और किसके ऊपर ये आधारित है. तो इसके लिए दो पूर्व मान्यताएं हैं. एक है कि पूर्व मान्यता कि ये लोक जो है वो पूरे पूरा जीव से भरा हुआ है. अभी अभी चंद्रकांत भाई को हमने सुना, उन्होंने बताया कि पहले जो है वो जीव का विश्लेषण तत्वात सूत्र में किया जाता है. सो सबसे पहले यानी कि जब हम बोलते हैं अहिंसा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि अहिंसा का मतलब ये है कि लोक में बहुत सारे जीव हैं. और दूसरी मान्यता है कि जीव हर एक जीव को अपना जीवन प्यारा है. सो हर एक जीव चाहता है कि वो जिंदा रहे. हर एक जीव चाहता है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव ऐसा नहीं चाहता कि उसे कोई भी प्रकार की तकलीफ हो. तो इसी के लिए जैनिज्म में बहुत से अलग अलग प्रकार के जीवों की व्याख्या की गई है. बहुत कौन से प्रकार हैं जीवों के, यानी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के बारे में विश्लेषण दिया गया है. और सभी में एक बात बहुत ही कॉमन है कि वो हरेक जीव संज्ञाओं के आधार पर जीता है, यानी कि हरेक जीव के लिए नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं उसके आधार पर जीना वो क्या है, वो है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह. यानी ये चार संज्ञाएं जो हैं वो ही जीवन को चलाती हैं. जब भी जीव अगर शरीर के साथ होगा तो ये चारों संज्ञाओं को हम देख पाते हैं और उनके आधार पर ही सभी जीव अपना जीवन चलाते हैं. सो ये बैकग्राउंड में अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि एनवायरमेंटल एथिक्स को हम किस तरह से, किस नजरिए से देखेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हम किस तरह से उसे पहचानें. सो हमें अगर एनवायरमेंटल एथिक्स की यानी कि नैतिकता के बारे में बात करनी है और वो भी पर्यावरण के संबंध में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं. एक तो है कि What is the value of a humanly restored environment compared with the originally natural environment? यानी कि अगर मनुष्य या मानवी अगर इस वातावरण को, इस पर्यावरण की संभाल रखना चाहता है उसमें और जो नेचुरली चल रहा था उसमें दोनों में क्या फर्क होगा और क्या उसमें वो वैल्यू दे पाएगा, क्या उसमें वो कुछ एडिशन दे पाएगा. दूसरा है, इट इज ऑफन सेड टू बी मॉरली रॉन्ग फॉर ह्यूमन बींग्स टू पोल्यूट एंड डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी जब भी एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की चर्चा होती है तो सबसे पहले एक बात हमेशा बोली जाती है कि हम मनुष्य हैं, हमें किसी भी प्रकार के पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से वातावरण में, पर्यावरण में कोई भी प्रकार का खराब करना ये जरूर नहीं करना चाहिए. अब इस पे और एक सवाल हो सकता है कि इज इट सिंपली बिकॉज अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इज असेंशियल इनटू ब्रैकेट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन वेलबींग. यानी एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए ही है,
मतलब अगर हम पर्यावरण की देखभाल करते हैं, उसे अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, तो क्या सिर्फ मनुष्य को ही इसका फायदा होना चाहिए, और क्या हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए ही ये कर रहे हैं? और दूसरा सवाल हो सकता है, और इज सच बिहेवियर ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द एनवायरमेंट एंड और इट्स वेरियस कंटेंट्स हैव सर्टेन वैल्यूज इन देयर ओन राइट्स, सो दैट दीज वैल्यूज ऑट टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इन एनी केस? यानी कि क्या मनुष्य अगर नहीं होता, इसके अलावा भी पर्यावरण के जो घटक हैं, जिसे साइंस पर्यावरण के घटक कह रहा है, उन सभी की अपनी खुद की कोई पहचान है क्या? उनके लिए कोई, उनकी कुछ वैल्यू है क्या? सो इसके लिए हमें एक सवाल और एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्यों एनवायरमेंटल के ऑब्लिगेशंस चाहिए? मतलब व्हाई शुड वी हैव एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस? हमारी क्या फर्ज है एनवायरमेंट की तरफ? So is it because only for the human beings, or is it also that we want to respect all the elements of nature? यानि कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के, जो अभी मैंने पहले ही बताया उसी प्रकार से, कि सिर्फ मनुष्य के लिए ही हम इसे देख रहे हैं, या सभी घटक जो जरूरी हैं, उनकी खुद की एक पहचान होनी जरूरी है? So अगर हम कहते हैं कि environment की खुद की एक पहचान होनी जरूरी है, या उनकी भी कुछ वैल्यू हो सकती है, तो क्या ये वैल्यू क्या हो सकती है? अगर हमें एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को कुछ दर्जा देना है, तो वो क्या दे सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए, यानी कि एस्थेटिक के लिए हम देंगे? और अगर हम मनुष्य नहीं रहे, तो भी क्या पर्यावरण का उतना ही महत्व रहेगा? सो ये हमें लाता है दो अप्रोचेस के तरफ, यानी एक अप्रोच है जो मनुष्य को केंद्र में रखते हुए आता है, कि हर एक चीज मनुष्य के लिए बनी है, और मनुष्य के लिए बनी है तो मनुष्य को ही उसकी देखभाल मनुष्य के खुद के लिए करनी है। और दूसरा अप्रोच आता है कि हर एक पर्यावरण का जो घटक है उसका अपना महत्व है। सो दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स अनदर अप्रोच, कि जो मनुष्य के केंद्र में रखते न हुए है, यानी कि जो कहते हैं कि मनुष्य का ही महत्व नहीं है, वो कहेंगे कि हर एक जीव को जीने का अधिकार है। तो वो जीव कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो शायद कहेंगे कि प्राणी जो है वो हो सकते हैं, या वनस्पति हो सकते हैं। और अगर कोई पर्यावरण के बहुत करीब है, तो वो कहेगा हर एक नदी को, हर एक प्रकार के माउंटेन को, हर एक प्रकार के जमीन को, हर एक को अपना अपना अस्तित्व है, और उसका पर्यावरण के लिए योगदान है। सो उसका सबका अपने अपना महत्व है। सो ये जो अप्रोच है वो नॉन ह्यूमन सेंट्रिक, या जिसे हम अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक हो जाता है, यानी कि जहां पर पर्यावरण को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ एक घटक माना जाए, यानी कि वो एक पर्यावरण के लिए जरूरी घटक है, पर इतना भी जरूरी नहीं कि सभी उसके आसपास घूमें। सो यही इसको हम कह सकते हैं डीप इकोलॉजी, यानी कि जब पर्यावरण के लिए हम पूरा दरवाजा खोल देते हैं और हर एक जीव को उसका खुद का महत्व दे देते हैं, तो वो हो जाता है डीप इकोलॉजी। और दूसरा है वो है शैलो इकोलॉजी, यानी कि जब मनुष्य के सेंटर में आके सभी कुछ उसके गिर्द घूमता रहता है। सो इसी के साथ अगर हम डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमारे पास आ जाता है, वो है स्टूवर्डशिप, यानी कि मुझे इस पर्यावरण के घटक को मेरा एक फर्ज है, और मेरी एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे इसकी ध्यान रखनी होगी, मुझे उसका पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, और मुझे हर एक प्रकार से वो देखना होगा कि इसमें जो जो भी घटक है उसकी ओर मेरा क्या योगदान हो सकता है। So, मैं और क्यों मनुष्य ये सोचेगा, तो इसके लिए डीप इकोलॉजी और स्टूवर्डशिप दोनों साथ ही साथ चलेंगे। यानी कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य को उसके पर्यावरण के लिए, सिर्फ उसके खुद के लिए नहीं सोचना है, और पर्यावरण के हर एक घटक के लिए भी सोचना है, तो उसमें वो खुद ही खुद अपने आप एक ट्रस्टीशिप, यानी कि स्टूवर्डशिप, यानी मैं एक माध्यम हूँ जो इस पर्यावरण की रक्षा कर सकता हूँ, ना कि उसमें कुछ इंटरफियर करने का मुझे हक है, ना ही उसमें कुछ बदलाव लाने का मुझे हक है। सो अब अगर इसे हम वापस जैन परिप्रेक्ष्य में समझें, तो हम वापस वही शब्दों पे आ जाएंगे। एक है संज्ञा,
संज्ञा का मतलब है कि ऐसे नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसकी वजह से और जिसके आधार पर जीवन गुजर जाता है, यानी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। यानी कि हर एक जीव, हर एक उसको अगर जीवन कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, तो उसे आहार की जरूरत होगी। हर एक जीव को अपना जीवन इतना प्यारा है कि कुछ भी अनकंफर्टेबल या डिसकंफर्ट हो जाएगा तो वो डरने लगेगा, उसको अपने जैसा ही कोई और नया पैदा करना है, दैट इज व्हाई मैथुन इज देयर। एंड परिग्रह यानी कि अपने शरीर के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए जो उसे लालसा में रख के उसको संभालने की जो वृत्ति है वो है परिग्रह। तो ये वृत्ति सभी जीवों में होती है, पर ऐसे कोई जीव हैं जो कि इन वृत्तियों से ऊपर उठ सके? तो जैनिज्म उसका जवाब देगा कि हाँ, ऐसे जीव भी होते हैं जो इन सभी प्रवृत्तियों से ऊपर उठ के अपने जीवन को कुछ एक नया मकसद दे सकते हैं, और वैसे जीव हैं जिन्हें हम संगनी जीव कह सकते हैं। अब संगनी का सिंपल सा मतलब यह है कि जिनके पास सोचने की कैपेसिटी है, रैशनैलिटी है, जिनके पास, अगर जैन परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो उसे कहते हैं जो मन है जिनके पास, वैसे जीव। अब वैसे जीव यानी कि जिनके लिए खुद के लिए क्या अच्छा है बुरा है वो सोच सकें, और साथ ही साथ वो ये भी देख सकें कि अपने एक एक्शन से, अपनी एक क्रिया से बाकी जीवों पर क्या असर हो रहा है। सो संगनी जीव जो है वो किसी ना किसी प्रकार की थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, बाकी जीव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के ऊपर ही अपना जीवन चलाएंगे। और अगर आप देखेंगे ये दोनों शब्दों में बहुत ही समानता है, संज्ञा, और इसी से ये शब्द बना है संगनी। इन अ वे संज्ञा जो है वो नेचुरल है, मतलब बहुत ही रॉ लेवल की जो हमारी अभिलाषाएं हैं वो हैं, जबकि संगनी यानी कि उससे भी ऊपर उठने की एक प्रक्रिया जो है वो है। सो संगनी होना एक बहुत ही रेयर प्रकार की, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही रेयरली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक जब हम संगनी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी जीवों के पास मन नहीं होता। क्योंकि उनके पास मन नहीं होता तो वो किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे के बारे में सोच नहीं सकते, और ऐसा नहीं होने की वजह से वो अपना जीवन जैसे आता है वैसे ही पूरा कर लेते हैं। जबकि संगनी होने का मतलब है कि मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ, मैं हर एक दूसरे जीवों के बारे में भी सोच सकती हूँ। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि मेरी एक जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी का एहसास जैनिज्म ने हर एक प्रकार के जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसके जरिए हमें दिया है। यानी कि पांच प्रकार के जो हमारे व्रत हैं, उन पांच व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत अहिंसा का है। और इन अहिंसा के व्रत के द्वारा जैनिज्म हमें क्या बताना चाहता है कि अगर आप संगनी हो, यानी अगर आप में ये सोचने की क्षमता है, अगर आप में ये रैशनैलिटी है, तो आपके पास एक चॉइस हो जाती है। आपके पास ऐसी भी एक चॉइस है कि आप जैसे ही अपना जीवन आता जाए वैसे गुजारते जाओ, या फिर कोई अलग प्रकार की चॉइस यानी अलग प्रकार के एक सोच विचार करके अपने हर एक क्रिया को सोच के आगे बढ़ो। सो यही बात हर एक लेवल पे, हर एक व्रत में आप देखेंगे। अगर हम अहिंसा के व्रत की बात करें तो अहिंसा में तो भर भर के यही बात बताई गई है, पर बाकी के जो व्रत हैं वो भी अहिंसा के बेस पर ही हैं। यानी अगर हम अचौर्य व्रत कहें तो वहां पर भी यही बात है कि जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं लेना है। दैट इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अचौर्य व्रत। सो जो मेरा नहीं है, मतलब अगर मैं किसी के पास से जबरदस्ती कुछ ले रही हूँ तो वो चोरी हो जाएगी। यही बात, अगर मैंने किसी का जीवन ले लिया तो बहुत बड़ी चोरी हो जाएगी, बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी। सो अब एक जिम्मेदारी के साथ व्यक्ति जब सोच रहा है तो उसके पास ये जिम्मेदारी है कि खुद तो अपने आप को संभाले ही, साथ ही साथ बाकी के जो जीव हैं, जैसे कि कौन से प्रकार के हो सकते हैं, वो एकेंद्रिय भी हो सकते हैं या पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय कौन से प्रकार के हैं। सो ये पांचों प्रकार के जीवों की ओर मेरी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाना। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक थिंकिंग कैपेसिटी है, पावर ऑफ थॉट, और उस पावर ऑफ थॉट के जरिए, उस संज्ञाओं के ऊपर उठने की क्षमता के जरिए मैं
ये डिसाइड कर सकती हूँ, ये इस बारे में सोच कर आगे बढ़ सकती हूँ कि क्या ये जरूरी है या नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे लिए हर एक जीव की रक्षा करना वो मेरा कर्तव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा मेरे खुद के लिए नहीं है, ये जो है वो एक हार्मनी है। इस हार्मनी को, इस पूरे बैलेंस को तोड़ना वो मुझे नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उन सभी जीवों की ओर मेरा एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए कि ना ही मैं उसे किसी फिजिकली मतलब मारूं या फिर मन से भी ना मारूं, दैट इज व्हाट इट विल बी। सो संगनी जीव उसके पास की जो कैपेसिटी है उसका उपयोग करके उसे करना है कि जो भी जीव संज्ञा के साथ चल रहे हैं उन सभी की रक्षा की जाए। सो उनके, अब वापस अगर हम चले डीप इकोलॉजी में और स्टूवर्डशिप में, तो यही बात आज साइंस समझने की कोशिश कर रहा है कि डीप इकोलॉजी क्या है। क्यों? क्योंकि डीप इकोलॉजी का मतलब है हर एक घटक को उसका महत्व दिया जाए। अब जैनिज्म में ये बात बहुत ही आसानी से बताई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पांच प्रकार के जीव हैं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, एकेंद्रिय जीव में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये चार तो साइंस कहेगा कि ये पर्यावरण के घटक हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये अजीव हैं। बट जैनिज्म ने तो उन्हें एक जीव का दर्जा दे दिया है। अगर वो जीव हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये पुरुषार्थ बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, हम उनके प्रति अपना जो योगदान है वो पूरी तरह से निभाएं। और यही बात सिर्फ उनके लिए नहीं, वनस्पति काय के लिए भी इतनी आसानी से करनी होगी। और शब्द भी कितने अच्छे प्रयोग किए हैं, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वाउ काय, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर ही पृथ्वी है, ऐसे जीव जिनका शरीर ही जल है, यानी शरीर जल होने की वजह से वो जीव तो है ही कि जो उनके अंदर नभ रहे हैं, पर पृथ्वी खुद ही एक जीव है। ये बात कितनी ब्यूटीफुली हमें बताई गई है। एंड इन सभी जीवों की रक्षा करना, ना ही सिर्फ जो हम चल मतलब जिनको हम देख सकते हैं कि जो चल रहे हैं, जिनके पास हम मूवमेंट है, मतलब बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव जिनको हम देख सकते हैं कि वो कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर सिर्फ उनके लिए नहीं, पर ऐसे भी जीव कि जो जिनका शरीर पृथ्वी है, जिनका शरीर अग्नि है, उन सब की भी रक्षा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा ही स्टूवर्डशिप होगा। मतलब आई एम अ ट्रस्टी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज लिविंग बींग्स। अगर इस प्रकार से अगर किसी जीव की ओर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली जैनिज्म ने जो अब तक कितने पुराने कितने सालों से यही बात कही है कि यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट तो तब होता है जब किसी ना किसी प्रकार की डिसहार्मनी होगी, पर एनवायरमेंट का मतलब है कि ये सभी जीव एक साथ एक हार्मनी के साथ चल रहे हैं और इन सभी जीवों के प्रति आप अपना कर्तव्य पालन करते रहिए। सो हमारा जो एक मकसद था कि हर एक जीव की रक्षा करना, हर एक जीव के प्रति अपना आदर व्यक्त करना, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट हम ऑटोमेटिकली हमेशा से ही हर एक जीव की रक्षा करते आए हैं। सो अगर जैन पर्सपेक्टिव में हम कहें तो जैनिज्म के पर्सपेक्टिव में ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली अब तक हर एक रैशनल लिविंग बीइंग को जो भी अपने पुरुषार्थ की ओर जा रहा है, जो भी अपने मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है, उसे यही करना है कि हर एक जीव जिसमें संज्ञा है उन सभी की रक्षा करना है। और रक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, क्योंकि उस जीव को भी उतना ही अधिकार है, ये अगर ये पृथ्वी पर है तो उस जीव को जीने का उतना ही अधिकार है और उसके उस अधिकार को मुझे सम्मान देना चाहिए। और इसीलिए हर एक जीव को अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो आदर भाव है उसे व्यक्त करते रहना जरूरी है। एक सेकंड मैम, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोग, आपने बहुत खूब बताया कि एकेंद्रिय जीव है, उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ऐसा क्यों कि हमेशा पंचेंद्रिय जीव के वध में ज्यादा पाप बताया जाता है और एकेंद्रिय जीव में कम? ऐसा डिफरेंस क्यों? हाँ, क्योंकि जो जीव है
उनके क्षमताएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। सो एकेंद्रिय जीव जो होंगे उनकी क्षमता अलग होगी, पंचेंद्रिय की अलग होगी। और हमेशा से एक सबसे पहला नियम होता है, अगर हम अहिंसा का व्रत का पालन करना चाहें तो सबसे पहला एक नियम है कि किसी भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि इसमें संगनी जीव भी हो सकते हैं। सेकेंडली, पंचेंद्रिय का हमें अगर शरीर मिलता है, मतलब किसी भी जीव को, तो वो एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है उस जीव को आगे बढ़ने की। सो अपने कर्म के अकॉर्डिंग टू, अपने हर एक प्रकार के उसकी क्या क्षमताएं हैं वो अलग प्रकार की होंगी, जबकि एकेंद्रिय जीव की क्षमता अलग होगी। सो दैट इज द रीजन कि पंचेंद्रिय जीव की कभी भी हत्या नहीं करनी है। और एट द सेम टाइम त्रस्त जीव यानी कि बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जो जीव है उनकी भी कभी भी हत्या नहीं करनी है, उनका भी कोई भी प्रकार से वध नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम। या वेलकम। सो अगर हम जैनिज्म का योगदान देखें पूरे एनवायरमेंटल सिस्टम के लिए या पूरे मानव जाति के लिए, तो सिर्फ दो ही वर्ड्स में, मतलब दो ही वैल्यूज में हम पूरा जैनिज्म का निचोड़ पर्यावरण के लिए बता सकते हैं। एक है अहिंसा का व्रत और दूसरा है अपरिग्रह। यानी अहिंसा के व्रत के आधार पर ही अपरिग्रह का व्रत है, मतलब जितना परिग्रह कम होगा अपने आप ही दूसरे जीवों के प्रति हमारा जो जागरूकता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। सो जो शब्द यूज करते हैं जैणा जतना, उसका कितना ब्यूटिफुली उन्होंने प्रयोग किया है कि आप जैणा पूर्वक जीवन जियो। जैणा ना ही सिर्फ बाहर के लिए है, ऐसा नहीं है, अपने अंदर भी क्या चल रहा है उसके प्रति भी इतना ही जागरूक रहना है। और हमारी लालसाएं जो है उसमें अगर हमने कटौती करनी शुरू कर दी तो हम अपने आप अपरिग्रह पूर्वक जी सकेंगे, और अगर अपरिग्रही होते गए तो हमें बहुत कम चांस होगा कि हम बहुत जीवों की हत्या कर रहे हैं, ना ही उसमें भागीदार हो जाएंगे। सो करना, कराना, अनुमोदन करना, ये तीनों प्रकार की हिंसा से, तीनों प्रकार के जो पाप कर्म है उन सभी से हम बच सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली हम अगर इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो हम पूरी तरह से हरेक जीव की ओर अपने सम्मान जो है उनका वो उसे दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक ट्रस्टी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उन जीवों के प्रति हमारा जो आदर भाव है उसे बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा हो सकती है, और वो तभी होगी जब इस संसार में पूरे पूरी प्रकार से हार्मनी होगी, जब इस संसार में हरेक जीव दूसरे जीवों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगा। और इसीलिए अगर हम देखें तो हर वक्त, मतलब हमें दो बार प्रतिक्रमण करने की सूचन दिया गया है, और प्रतिक्रमण में हम बाकी कुछ बोले ना बोले पर ये बात तो हम जरूर कहते हैं, खामे मी सव्वे जीवा भी खमंतु में मित्ती में सव भूषु वेर मज्जम न केणई। यानी कि मुझे हरेक जीव के साथ मैत्री है, मुझे कोई भी जीव के प्रति कोई भी प्रकार का वैर भाव नहीं है, हरेक जीव मुझे इतना ही, मैं उसके पास से क्षमा मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई आपके प्रति, मतलब मेरा कुछ भी दुर्व्यवहार है तो सभी के लिए प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मुझे, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सो ये जो बात है, मतलब ये रोज रोज करते 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 ये एक आदर भाव अपने आप हमारे लिए दूसरे जीवों के प्रति आ जाता है। और ये सिस्टम जो है कि हम हरेक जीव को एक जीव के जैसे, मतलब उसका एक जो उसका महत्व है उसके लिए देखें, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग के लिए लेते जाएं, उनमें से कुछ न कुछ लेने की भावना न रहे, बट उनके प्रति जो हमारा आदर है उसको बरकरार रखें, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि हम डीप इकोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, हम स्टूवर्डशिप फॉलो कर रहे हैं। मतलब अब जो साइंस बात कर रहा है ये तो हमारे परंपरा से चली आ रही है, अब तक हमने यही किया है, और इसी वजह से आज भी हमारी नदियां इतनी शुद्ध हैं, और इसी वजह से आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे पर्वत होंगे जहां हम शायद पैर भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमें वो इतने, वी हैव सो मच रेवरेंस फॉर देम। सो यही रेवरेंस की बात, मतलब हर एक जीव को दूसरे जीव के प्रति सम्मान होना, ये अगर हमने बरकरार रखा तो अपने आप हर एक जीव के लिए दूसरे जीव के प्रति अच्छा सोचना बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। यस, जय जिनेंद्र, एंड यस,
now we can open for discussion and question answer. It was a very, very interesting subject. So I have some, I always keep coming out with these inquisitive questions. Do you see initially when this whole humankind started, it is all with the survival, and then we have gone to the evolution? Is it like you can say this whole thing, the cat eating the rat, is a survival, and then with the evolution, human being has adapted to the nature? Human beings were actually part of nature, basically. So we were all part of nature. So when we are living at the basic levels of instincts, agar hum sanyaon ke aadhar par jeete hain, to hum naturally jee rahe hain. Okay, par evolution kab hota hai? Kab hum karmon se bhi mukt ho sakenge? Jaise ki Chandrakant bhai ne aaj bataya ki asrav, band, samvar aur nirjata. मतलब संवर और निर्जरा कब आएगा? जब हम संगनी होने की कोशिश करेंगे और हमारी अंदर की जो हमारी संगनी होने की जो क्षमता है उसको हमने एक्सरसाइज किया, तो उसके लिए अगर हमने उस प्रकार से थॉट प्रोसेस में लाए, हमने उस प्रकार से अपने आप को संयमित किया, तो सो नेचुरली सर्वाइवल इज देयर, बट इवोल्यूशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद द संगनीज. So, संगनी जीवों के पास ही वो इवोल्यूशन की कैपेसिटी है. एंड इवोल्यूशन कहाँ तक का हो सकता है? मतलब हर एक प्रकार के कर्म से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यही क्षमता महावीर स्वामी ने हमें दिखाई है. मतलब हमारे हर एक तीर्थंकरों ने यही क्षमता की बात कही है. सो इवोल्यूशन डज नॉट एंड नीड नॉट स्टॉप एट वन लेवल, इट कैन गो बियॉन्ड एवरी लेवल. यानी आपने तो अल्टीमेट इवोल्यूशन की बात कर ली, मोक्ष की. हर एक प्रकार के, हाँ, मतलब इससे हम चाहते तो हमारा इवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओनली. इन अ वे देखा जाए तो ये भी एक अप्रोच जो है वो हम अपने लिए ही, वैसे तो देखा जाए तो अपने लिए ही कर रहे हैं कि हमारे खुद के मोक्ष के लिए. यस, आपने जो संज्ञा बताई ना, हाँ हाँ, संज्ञा की, संज्ञा भी किस तरह से यूज करते हैं. रमेश भाई ने पूछा कि कैट जो है वो चूहा को पकड़ती है, जब चूहा को पकड़ती है तो उस वक्त संज्ञा अलग है, पकड़ती है अपने अपने मुख को, लेकिन पकड़ती है अलग है और अपने बच्चे को उसी मुख से पकड़ती है, जी हाँ, करुणा का भाव है. हाँ. और चूहा को पकड़ती है तो मारने का भाव है. यस यस, एक ही इंद्रिय है अलग अलग ढंग. हाँ. से जी हाँ. सो एक बार मतलब एक बार वो आहार संज्ञा है, दूसरी बार परिग्रह संज्ञा है. परिग्रह संज्ञा जी हाँ, बचाने की संज्ञा, बचाने की संज्ञा है जी. हाँ, हाँ. और करुणा है, करुणा है. सो संज्ञाएं और मतलब यू नो नेचुरली जीना और इंस्टिंक्ट, उसमें से ऊपर उठने की जो बात है वही एवोल्यूशन हो सकता है और वो हर एक के लिए पॉसिबल है. हाँ जी. फॉलोइंग टू द सेम क्वेश्चन, डू वी सी द एवोल्यूशन ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट एंड द अदर थिंग्स यू हैव नो चॉइसेस बिकॉज दे आर ऑल on the first instincts of survival? Yeah. Jainism would say ke panchendriya jeev mein bhi aise bhi prani hain jinke paas sanyay ho sakte, matlab sangni ho sakte hain. Matlab panchendriya jo animals hain unke paas bhi man ki kshamta ho sakti hai. To ye sirf aur sirf manushya ke liye possible nahi hai. Ha, vrat pachkhan ek shravak ke level tak karna wo praniyon ke liye ho sakta hai. बट अगर उसके बियॉन्ड जाना है, मतलब अगर महाव्रत लेने हैं, तो मनुष्य जीवन ही जरूरी है. Do you have any examples which type of apart from human being will have this capacity? So शास्त्र कहते हैं कि संगना मतलब मन वाला घोड़ा हो सकता है, मन बगैर का घोड़ा भी हो सकता है. सो बाहर से हमें देखकर नहीं पता चलेगा, सिर्फ वो केवली जान सकते हैं कि कौन से जीव को कौन से जीव संगनी है और कौन से जीव संगनी नहीं है. So, बाहर से नहीं पता चलेगा, क्योंकि see, it is basically their capacity to draw the particular kind of thought processes that is not available to everybody. तो ऐसे कहीं कहीं देखा जाता है कि कोई कोई गाय है, कोई कोई बंदर है, वो प्रवचन चल रहे बैठ जाते हैं, मंदिर जी में आ जाते हैं, तो ऐसा कह सकते कि नियमित ऐसा क्रम से होना ये बताता है कि उनके अंदर संगनीपना है, उनके अंदर मन है, थिंकिंग की कैपेसिटी है. हो सकता है, क्योंकि वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप के कर्मों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वो अपने जो अपना हाईएस्ट गोल है मतलब मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त है, तो उस तरफ उनका प्रयाण शुरू हो गया है.
कह सकते हैं हम ऐसा, यानी प्राणियों की भी थिंकिंग ऐसी हो सकती है? हो सकती है, जी हाँ जी हाँ, राइट राइट, बहुत सारे। और ये जो आपने चार संज्ञाएं बताई, तो जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आपको आहार संज्ञा को जीतना है, आपको भय संज्ञा को जीतना है, आपको मैथुन संज्ञा को जीतना है, आपको परिग्रह संज्ञा को जीतना है। सो ऐसे क्या उपाय बताए गए हैं इन संज्ञाओं को जीतना, और इस संज्ञाओं को जीतने की जरूरत क्यों है? ओके, सो हमारे जो व्रत हम करते हैं, मतलब हर एक प्रकार के जो निर्जरा के साधन है, वो सभी इसी के लिए हैं, ताकि हम उन संज्ञाओं से ऊपर उठ सकें। सो जैसे कि उपवास, मतलब अंसनोदरी, ये सब जो है वो आहार संज्ञाओं के से ऊपर उठने की बात है। सो आहार संज्ञा के साथ साथ, सिर्फ आहार संज्ञा भी नहीं, हमारी जो रसनेन्द्रिय है उसके भी ऊपर हमें उठना है। सो इसी प्रकार के जो मतलब छह हमारे बाह्य और छह अभ्यंतर तप जो है, वो इसीलिए दिखाए गए हैं ताकि हम संज्ञाओं से ऊपर उठ सकें। यस, एग्जैक्टली, यानी मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि भगवान महावीर ने जो चार धर्म बताए, दान मीन्स दान, तप, भाव और शील धर्म, ये चारों चार कहीं संज्ञा के साथ, जैसे आपने बोला, तो वो करने से ये संज्ञाओं को जीता जा सकता है। सो ये संज्ञाओं को जीतना क्यों है एग्जैक्टली? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब ये तो एक्चुअली पूरे तत्वार्थ का निचोड़ हो जाएगा। संज्ञाएं जो है उसके वो क्यों है, क्योंकि हमें हमारा जीवन प्यारा है, हमें हमारे शरीर की रक्षा करनी है। जब जब ऐसी कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, तो बहुत से कर्मों का आना हमारी ओर बहुत आसानी से हो जाता है, और उनका ही कन्वर्जन बंध में हो सकता है, क्योंकि हमारी जो क्रियाएं हैं वो राग और द्वेष से भरी हुई होती हैं। सो मोह के वजह से, राग की वजह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से बंध में परिणमित होके हमारे साथ एक पूरा बैगेज हमारे साथ आ जाएगा। अब हमें अगर हम मोक्ष मार्ग की ओर मतलब उसके लिए प्रेरित हैं, तो हमारा काम है कि नए कर्मों का आना रोकना और जो पुराने कर्म है उसको निकाल बाहर फेंकना। यानी कि संवर का मतलब है नए कर्म को नहीं आने देना, निर्जरा का मतलब है पुराने कर्म को निकाल देना। तो यही काम हम हर एक प्रकार के व्रत पचखाण लेकर और हर एक प्रकार के संज्ञाओं को जीत कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा का मतलब होगा कि हम नए नए कर्मों का आना रोक ही नहीं रहे हैं, पर जब हमें रोकना है तो उसका मतलब है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि नए कर्म ना आए और पुराने निकलते जाएं। सो दैट इज विल लीड टू संवर एंड निर्जरा। जब पूरी तरह से निर्जरा हो गई, नए संवर मतलब पूरा संवर हो रहा है, तब ऐसा मौका हमें मिल सकता है कि हम मतलब हर एक प्रकार के कर्म से मुक्त हो सकते हैं। राइट, आपने बताया तत्वार सूत्र पार्ट टू। हाँ राइट राइट, आप बिल्कुल सही है ना, आहार हमें लेना है तो आहार भी सम्यक होना चाहिए, ऐसा आहार हो जिससे हमारा जीवन गुजर सके और हिंसा कम से कम हो। मनुष्य तो बुद्धिजीवी प्राणी है ना, संगनी पंचेंद्रिय हम भी हैं और एनिमल भी है, लेकिन एनिमल में इंस्टिंक्ट अलग है, हमारे में अलग है। तो हमारे में बहुत बुद्धिशाली है हम लोग, तो जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक तुलना हमें करनी है कि किससे पाप कम से कम हो सकता है। अपना पेट भरने के लिए, पेट पालन के लिए जितना हो सके उतना आहार ले लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई दीपिका मैम, बहुत सही बताया दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्रोताओं के लिए, दीपिका जी, I have still many questions but I don't think we have a time. I will definitely, you like to be my spiritual trainer for sure, I'll come back to you. Question तो मुझे भी काफी पूछने हैं श्रोताओं की ओर से भी, पर थोड़ा समय का मर्यादा है हमारे पास। अब एक सवाल जो मैं देख रही हूँ, सॉरी क्या बोल रहे हो, एक सवाल है सबका, मतलब बहुत कॉमनली पूछा गया है कि सभी पंचेंद्रिय जीव संगनी नहीं है क्या? जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि सभी पंचेंद्रिय जीव संगनी नहीं होंगे, कोई होंगे जिनके पास मन होगा, कोई के पास नहीं होगा। सॉरी, यस, जैसे आपने घोड़े का बताया तो हम समझ सकते हैं। सो हम प्रेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खा मे मी सव जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे मित्ति मे सव भूवे सु वैरम मज्जन के नहीं
सर्वथा सौ सुखी था पापना कोई आचरो राग द्वेष थी मुक्त बनी ने संता सौ समाचरो।